think I'm cute. I know I'm sexy. पहली बार खुद से क्रिंज हो गया आज। सॉरी गाइज, आजकल इंट्रो खत्म हो गए मेरे पास, तो मैं क्रिंज पना करने लग गया हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग एक ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम किसी ने नहीं सुना, मतलब मैंने तो आज तक सुना ही नहीं, मेरे को तो अभी पता चला है, माइनक्राफ्ट। किसी ने नहीं सुना इसका नाम, बट आज मेरे को माइनक्राफ्ट में एक ऐसा चैलेंज मिला जो कि मेरी प्रो स्किल्स के बराबर होने वाला है। तो आज मैं माइनक्राफ्ट को खेलने की कोशिश करूंगा, बट इफ आई टच द ग्रास आई डाई। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल चैलेंज है, किसी से भी नहीं हो पाता और मेरे लिए तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। प्रे फॉर एल्बिडो के लेट्स प्ले। तो आते ही मेरे को एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है जिसपे मैं खड़ा हूँ, आई अप्रिशिएट दैट। चलो आते ही शिट, आवाज बहुत ज्यादा है। तो ये अच्छा है कि मैं ट्री के बिल्कुल सामने स्पॉन हुआ हूँ और मेरे को आमने सामने हर जगह डेजर्ट दिख रहा है, तो वर्ल्ड तो मेरे को अच्छा मिल गया, बट होपफुली मैं सर्वाइव कर लूँ। मैं जितना सैंड हो सकता है उतना कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सैंड ही आज मेरी हेल्प करने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, होपफुली मैं सही कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, चलो मैं ट्री के ऊपर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से ये निकाल लेता हूँ जल्दी से वुड, थोड़ा सा ये वाला सारा मैंने कलेक्ट कर लिया। ओके भाई, मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा अभी से, मेरे को नहीं मरना कि अगर मर गया तो वीडियो बहुत छोटी बनेगी, और वीडियो छोटी बनेगी तो पैसे कम आएंगे। भाई बालों ने कसम खा ली है, मेरी तो कभी भी नहीं सुनेंगे। ओके यहाँ पे सैंड है तो हम मस्त चल सकते हैं। यार मेरी बड़ी गंदी आदत है जंप करने की, बट एक अच्छी बात है यहाँ पे हमें विलेज मिल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने लिए एक चैलेंज रखता हूँ। तो मेरे को आयरन आर्मर बनाना है विदाउट मरे। वाओ क्या कॉम्बिनेशन था उर्दू इंग्लिश का। ओके क्राफ्टिंग टेबल और एक पिकेक्स बना लिया मैंने। हेलो बनी, कैसे हो? कैसे हो? अरे डरते क्यों है मुझसे? यार समंदर ही समंदर है, इधर डेजर्ट किधर है? मेरा हमेशा से ड्रीम है भाई, मैंने सोचा था बहुत इजी होगा ये, उतना भी इजी नहीं है। कुछ भी चलेगा भाई, माइन शाफ्ट दे दो, लेट्स गो भाई साहब, मजा आएगा, अब मजा आएगा। डेजर्ट टेंपल के पास विलेज भी होता है तो थोड़ी, और भाई यहाँ पे मेरे को केव भी दिख गई है, लेट्स गो भाई। ग्रास से बच के रहना है, ग्रास ना हो बस किसी भी घर में। ओ बेड मिल गया, यस लेट्स गो। कभी सोचा नहीं था कि बेड के पीछे इतनी एक्साइटमेंट दिखाऊंगा। क्राफ्टिंग टेबल मिल गया मेरे को, वाओ सो एक्साइटिंग ना। और गरीबों चेस्ट फेस्ट है तुम्हारे पास कुछ? यार ये देखो यार, इन्होंने अपना खाना भी ग्रास के पास लगा रखा है भाई। यार दो हेबेल लगे थे, एपिक चोरी मोमेंट भी नहीं कर पाया भाई। सच्ची मुझे डर लग रहा है, बहुत 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 डर लग रहा है। बैठ के ऐसे करना पड़ेगा, मैं तो कह रहा हूँ 1.18 के अंदर एक मॉब डाल दो एल्बिडो करके, उस पे ग्रास आ जाए। यार मेरा गला सूख रहा है मेरा भाई, क्या नसीब हो गए हैं मेरे, खाना नहीं है अभी तक मेरे पास। सबर का फल मीठा होता है जैसा कि मैं आपको हमेशा से सिखा रहा हूँ। ओके मेरा क्राफ्टिंग टेबल ये रहा भाई, ये हेबेल का एक टुकड़ा है यार, दे दो मेरे को प्लीज एक टुकड़ा तो दे दो खाने को। अरे वहां गिर गया मेरा, अबे वहां कैसे गिर गया? आजा आ गया, अब मैं वहां तक कैसे जाऊं? ओह ये अच्छा शॉर्टकट है, अगर मैं यहाँ क्राफ्टिंग टेबल रखूं। आई एम सो गुड, ओह यस, यही तो मैं चाह रहा था। लेट्स गो, फाइनली मुंह को थोड़ा खाना छू गया। यार मेरे पास अब क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है, स्पीड को खाने में कैसे कन्वर्ट करूं? वो ट्री दिख रहा है बट उसके लिए दोबारा से वो करना पड़ेगा। आई थिंक मेरे को इस मोमेंट के लिए भी कुछ नया डाल देना चाहिए। कभी सोचा भी नहीं था कि माइनक्राफ्ट का इतना प्यारा सा ब्लॉक है ग्रास, उससे मैं डरूंगा। कैसे दिन ले आते हो तुम लोग मेरे ऊपर भाई, कितना गंदा। मैं नई वर्ल्ड बना रहा हूँ, मेरे को बहुत गंदा सीड मिला है। प्लीज इस बार अच्छा सीड दे देना, प्लीज इस बार अच्छा सीड दे देना, प्लीज इस बार अच्छा सीड दे देना, प्लीज इस बार अच्छा सीड दे देना। तो चलो अच्छा है, लकड़ी के पास तो लाया मेरे को कोई, एटलीस्ट मुझे ये लावा का मिला है, बट मैं स्पीड रन तो कर नहीं रहा, क्या करूंगा मैं उसका। वैसे झंड किस्मत तो ऐसी ही कूदना चाहिए मेरे को। देखो देखो देखो, एक लकड़ी मिली, वाह जितना वुड निकाल सकता हूँ मैं निकालूंगा भाई। ट्री काटना इतना स्ट्रेसफुल हो जाएगा माइनक्राफ्ट, मैं कभी सोचा नहीं था। मैं बोर्ड बना लेता हूँ ना बेस्ट भाई। इधर किधर किधर खड़ा हूँ भाई, किधर कुछ भी नहीं है यहाँ। ओ आ गया स्टोन, प्लीज प्लीज प्लीज, यस लेट्स गो, प्लीज नीचे ग्रास ना। ओ भाई आई एम सो लकी भाई, फाइनली स्टोन को देख के इतनी खुशी हुई मुझे। आई लव इट, थैंक यू स्टोन। जल्दी से फर्नेस बनाओ पहले तो, लेट्स गो एडवांसमेंट मेड। मैं फाइनली अब ये प्यारा प्यारा आयरन माइन कर सकता हूँ, कब से तड़प रहा था मैं इस मोमेंट के लिए। एक सेकंड गाइस, मेरा ऑप्टिफाइन काम करना बंद हो गया, रुको। ओके अब मेरे को अच्छे से दिख रहा है, मेरा ऑप्टिफाइन काम कर रहा है, लेट्स गो।
यार मेरे को बहुत सारा स्टोन चाहिए क्योंकि ऊपर तो मेरे को जाना पड़ेगा ही ना। बट उससे पहले गाइस, क्या आप लोग भी रिकॉर्डिंग करते हैं और आपके घर वाले पीछे से कर रहे होते हैं? या रिकॉर्डिंग के टाइम ही आपके पड़ोसियों को ख्याल आता है कि वो अपनी पानी की मोटर चला दें? तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सलूशन आ चुका है। तो ये है एरो जूम के एकुस्टिक फॉर्म्स। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो या आप सिंगिंग करते हो या कुछ भी और आपका एक स्टूडियो है, तो आपके लिए ये मस्ट है। बिकॉज ना सिर्फ ये आपके रूम के एको को रिड्यूस करते हैं बल्कि आपके सेटअप को एक फ्रेश लुक भी देते हैं। और ट्रस्ट मी, इनको इंस्टॉल करना भी बहुत ही ईजी है। इनका एडहेसिव टेप और स्प्रे भी आता है जो कि आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हो। ये बहुत सारे कलर्स और कॉम्बिनेशंस में आते हैं। और उसके ऊपर से अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड AZLBDO यूज करोगे, बिल्कुल ऐसे देखो ये लिखा हुआ है ना, तो आपको ना सिर्फ 10% डिस्काउंट मिलेगा बल्कि आपको एक्सप्रेस शिपिंग भी मिलेगी। तो आप लोग जा सकते हो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से एरोजूम की वेबसाइट पे अगर आपको ये सब बाय करना है। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यहाँ पे मैं अपना फर्नेस लगा देता हूँ। तब तक भाई क्या बेवफाई की आयरन ने। भाई ये क्या ग्रेनाइट क्यों आ रहा है? ऐसे ग्रास भी आ गया पता ही नहीं चलेगा। भाई आइंदा के बाद मैं कोई ऐसा चैलेंजिंग डेटा पैक नहीं खेलने वाला, मेरे को बहुत एंजाइटी अटैक हो रहे हैं। भाई साहब कितना कोल है इधर, एक जगह पे मैंने इतना कोल आज से पहले कभी नहीं देखा। ओ शिट, मैंने फिर वही गलती कर दी। मैंने डर्ट लगा दिया। भाई मेरे को नहीं चाहिए डर्ट, फेंको डर्ट, नहीं चाहिए डर्ट, बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। ओके लेट्स मेक आवर फर्स्ट आयरन की पिकैक्स। ये और भाई मैं प्यार से यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ, मैं तो भूल ही गया मेरे को खाने की भी जरूरत पड़ेगी ही। भाई कैसे ये क्यों है इधर, ये ग्रास बन जाएगा ना अभी, मेरे को पता है ये मार देगा मेरे को। ये इतना सारा डर्ट क्यों है केव के अंदर? हाँ अभी तक तो बन जाना चाहिए था उसको ग्रास, इसका मतलब नहीं बनता केव के अंदर। दैट इज वेरी नाइस, ये बात तो मुझे नहीं पता थी बबुआ। भाई इधर और आयरन नहीं है। भाई मैं थक गया हूँ माइन कर करके, बाहर की दुनिया देखनी है मेरे को, बाहर की ग्रास। यस ओ भाई मेरे पास कितना स्टोन है। यस अब तो मैं प्यार से चल सकता हूँ, अब नहीं मेरा ग्रास कुछ बिगाड़ सकता। अभी देखना मेरे को डेजर्ट मिल जाएगी, फिर मैं आराम से चलता रहूंगा। भाई मुझे पता था ये चैलेंज मेरे ही बस का है, और कोई इससे